और इसके ना अगर फिन्स मेरे को लग गए, मतलब अगर ये चुभ गए तो हम तो बुखार हो जाता है, लाइक लिटरली बुखार हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आकाश विमल। हाउ यू गाइस डूइंग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, दिस इज हिंडन रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर। और बहुत ही सारे यहाँ पर लैपविंग चला रहे हैं क्योंकि उनका घोंसला है वहाँ पर, और वहाँ पर कोई और जानवर आ गया जिसकी वजह से वो चला रहे हैं। एक बार देखियो यार, नज़र मार के ऊपर खड़ा होकर कुछ होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, फिशिंग व्लॉग, आई एम बैक विद अ फिशिंग व्लॉग। आई हैव माय टीम, यहाँ के हमारे मछुआरे हमारे साथ हैं, एंड इट्स गोना बी वेरी गुड। मेरे घर से थोड़ी सी दूर है ये जगह, तो थोड़ा सा टाइम लगा आने में, पर उसके अलावा इट्स गोना बी वेरी गुड। ये वाइल्ड एरिया है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता, इट इज़ बैन। और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो हमारे काफ़ी कांटे और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पैरों में घुसी, बट इट्स ओके, वी आर गोना फिश। हमारे पास आज नेट है और हम फिशिंग करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर बहुत बहुत सारी स्पीशीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, यहाँ पर स्टिंगरे तक मिल सकती है, तो मेरा मेन फोकस तो वही है। पर आई एम श्योर अब नहीं मिलती यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले की बात थी। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर एक्वेरियम में हम उनको डाल देते हैं तो वो प्लांटेड फिशेज के नाम से जानी जाती हैं, और वो बहुत महंगी महंगी बिकती हैं हमारे ये जितनी शॉप्स हैं और ये सब है। पर हाँ, कुछ थोड़ी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर भी हैं, जो कि एंडेंजर्ड हैं, जो कि बहुत कम बची हैं, और आप उनको ऐसे नहीं पाल सकते, मतलब वाइल्ड कॉट नहीं होनी चाहिए, वो कैप्टिव ब्रेड हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, एंड लेट्स गो। ये पानी बहुत गहरा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जाल नहीं मार सकते। हम जाएंगे आगे उधर की साइड और हम वहाँ पर जाल मारने की कोशिश करेंगे। सो एवरीबडी, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ स्पॉट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है हर जगह, और आप अगर दूर से देखोगे वहाँ पर मेरे को अभी सारस दिखे थोड़े से उड़ते हुए, मतलब एक दो सारस बहुत ही सुंदर तरीके से उड़ते हुए जा रहे थे। जो आपने फोटोग्राफी देखी होगी, सारस जो ऐसे बैठे हुए दिखते हैं वो इन्हीं जगहों पर दिखते हैं, लेकिन लैपविंग और वो सब तो बहुत ही सारे हैं यहाँ पर। और वो जो दो जा रहे हैं वो टील हैं, इंडियन टील उड़ते हुए जा रहे हैं। इतने सारे टावर्स हैं, एक ज़माना था जब यहाँ पे एक भी टावर नहीं था। और मेरी टीम आगे चली गई है, मेरे को भी जाना है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही, पता नहीं क्या ही हो गया है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, और मेरा तो अभी से ही ना पसीने से बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर जब भी आप किसी वाइल्ड एरिया में आते हो ना, तो बहुत सारे कीड़े और ये सब तो आपको बहुत ही नॉर्मली आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मैं यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इट्स एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट टू वॉक हेयर घासों के ऊपर से, क्योंकि घास जो होती है वो मिट्टी को जोड़ के रखती है। क्या बात कर रहा है यार, स्नेकहेड के बच्चे इधर। सो इसको हम बोलते हैं ड्वार्फ गुरामी की स्पीशीज होती है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये है चना आर्गस का बच्चा, स्नेक हेड का बच्चा। अभी हम इनको रखते हैं, बाद में हम इनको रिलीज करेंगे। पेंसिल रुक 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 रुक, ये कह रहा है। एक और स्नेक हेड का बच्चा, ओह यार बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे, और यहाँ पर वी हैव बार्ब, छोटी सी बार्ब, छोटी सी बार्ब के बच्चे। ये तो बहुत ही सारे बच्चे हैं यार, बहुत ज्यादा ही छोटे हैं ये तो। डक्स आती है ना, वो काफी सारी वहां पर आई हुई हैं। आपको उनकी आवाजें आ सकती हैं, लैपविंग के अलावा उन्हीं की आवाजें हैं यहाँ पर। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। और मेरे पैर थोड़े से यहाँ पर जा चुके हैं, क्योंकि नंगे पैर ही चल सकते हो यहाँ पर आप। अगर आप शूज पहन के पानी में घुसोगे तो वो शूज आपके पानी में रह जाएंगे। जितना आप गहरा जाओगे उतनी बड़ी फिशेज आपको मिल सकती हैं, और यहाँ पर आसपास पूरी आपको उनके बच्चे मिलेंगे। पर हाँ, ये भी होता है कभी कभार, जो बड़ी वाली कैटफिश होती हैं वो भी इनके नीचे छुपी हुई यहाँ पर बैठी रहती हैं और ढूंढती रहती हैं शिकार। सो या वी गोना गो एंड लुक फॉर सम गुड स्पॉट, कोई अच्छा स्पॉट होगा तो। और ये वहाँ पे लोग हरकतें करते हुए, ये हमारा अड्डा है यहाँ पर। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर आप बैठ के खाना भी खा सकते हो। वहाँ पर हमने भट्टी बनाई हुई है एक, जहाँ पर आप खाना पका भी सकते हो। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है, नील गाय यहाँ पर ही घूमती रहती हैं बहुत सारी। ब्यूटीफुल प्लेस, तो हमने यहाँ पर नेट दबा के रखा है और इतनी सारे मच्छर हैं यहाँ पर। तो अमन इज देयर, हमारा मछुआरा, आज का कोच हमारा, तो वो मछलियों को भगाते हुए ला रहे हैं। यहाँ पे स्नेकहेड की स्पीशीज हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी, उनमें से एक रेनबो स्नेकहेड होती है, वो भी मिल सकती है यहाँ पर। तो वो ला रहा है अभी भगाते हुए, देखा उसको अच्छे से करना, टाइम लगा लगा के भगा। चलो अभी हम करेंगे। ये तो उसका वॉकिंग कैट फिश का ही है ना, ये मांगूर का बच्चा है ना ये। हाँ एक और है। तो हमारे पास यहाँ पे कैट फिश काफी सारी घूम रही है। ओए ये देखो ये, सो ये एक वाटर बग है और ये उसके अंडे हैं। आप देखो ये अंडे अपने ऊपर लेकर घूमते हैं, उसके बाद जब तक उनमें बच्चे नहीं हो जाते। सो दिस इज आवर कैच है, वो वाली तो नहीं है बड़ी वाली, एक और बार करेंगे। यही कैटफिश और ये कुक 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 कर रही है। हे सो एवरीबॉडी, This is a walking catfish का बच्चा, and it's quite good. यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं और इसकी काफ़ी काफ़ी कलरेशन भी है इस पर। वेरी गुड वेरी गुड। हम इसको अंडा ले कर घूम, तो ये है हमारे पास जाल और ये हैं दो नंगे लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये नेट है और अब ये नेट हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर ये हिंडन वाली लाइन है, यहाँ पर पूरे में अंदर पानी 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 भरा हुआ है, वहाँ से आ रहा है पानी। तो ये सबसे पहला है और हम बस ऐसे ना ट्राई करना चाहते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से यू कैन सी वहाँ से आ रहा है। अभी मैं भी अंदर घुसूंगा पर लेट्स सी इसमें क्या होता है। यहाँ पर यूजुअली मछलियों के बच्चे आपको देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी जगहों पर। ओए और इसमें है हमारे पास गुरामी, आप देखो बहुत ही सुंदर होती है ये इंडियन गुरामी, और इनके कलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं जब ये बड़े हो जाती है ना। अभी भी इसका कलरेशन काफ़ी अच्छा है। एक और गुरामी, एक स्नेकर, ओए स्नेकहेड, स्नेकहेड भी है देखना। ओए वाह वेरी नाइस। तो आई डोंट नो ये कौन सी स्नेकहेड की स्पीशीज है, पर अरे दोनों गिर के नीचे। वेरी ब्यूटीफुल स्नेकहेड, ये बहुत बड़ी हो जाती है साइज में ना। अगर ये चन्ना आर्गस का बच्चा है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में। और मेरे को हर जगह मच्छर ही मच्छर काट रहे हैं। कैच
सो एवरीबॉडी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा वाटर बग है ये, आप मेरे हाथ से कंपेयर कर सकते हो साइज। मैं पंगे नहीं लूंगा इससे बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत गंदी बाइट होती है। और यहाँ पर आई हैव वन मोर कैटफिश, कुछ ज्यादा ही हमने नहीं पकड़ लिया कैटफिश, रेड रेड कलर की। ओए ओए अरे वो मैं नीचे लपट गया था। बूम आया कुछ देखें क्या, ऊपर करो थोड़ा ये मुंह पे बिल्कुल लिया लिया कुछ तो आया यार, खुजाओ मत भैया। क्यों नाले में से मैंने कुत्ते निकाले तो देखो ये टेडबोल है एक्चुअली में। टेडबोल मेंढक के बच्चे को बोलते हैं हम, और अगर आप देखोगे तो इसकी आधी बॉडी बन चुकी है, आधी अभी भी फिन बनी हुई है, और ये अभी और बड़ा होगा। यू नो ये अभी और साइज में बड़ा होगा टेडबोल। ये होता है, इसको हम बोलते हैं एशियन बुल फ्रॉग, एशियन बुल फ्रॉग। और यहाँ पर क्या है, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा मच्छर है ये, वो है शिकार करके खाता है। ठीक है बढ़िया, अब इसको बिना देखे ऊपर चलते हैं। पेंसिल जी तो ओ फक यार, ये देखिए मुकुट फक, इसमें भी वही मिली तो वही, वो है ना सिंगी, सिंगी का बच्चा है ना ये, आराम से पकड़ने से। तो एवरीबॉडी इसको हम बोलते हैं हिंदी में सिंगी, मरून कैटफिश शायद से बोला जाता है इसको। ले ले ले। और इसके ना अगर फिन्स मेरे को लग गए, मतलब अगर ये चुभ गए बाल्टी खा ले तो हम वो तो बुखार हो जाता है, लाइक लिटरली बुखार हो जाता है। इसको मैं वापस डाल दूंगा। हम इन सब फिशेस को डालेंगे, आप देखो जरा एक बार इसके कलर्स। ये एक्वेरियम की फिशेज हैं और ये प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत सुंदर लगती है। एक और स्नेकहेड का बच्चा है। सो इट वाज गुड कैच, अच्छा कैच था काफी। एवरीबॉडी हियर इज आवर कैच, हम इसको डालते हैं बाल्टी में। एक और स्नेकहेड, स्नेकहेड के काफी सारे ही बच्चे हैं यहाँ पे, विच इज वेरी गुड। तो जो बड़ी स्नेकहेड होती है वो फ्लोइंग वाटर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर गहरा पानी होता है। यहाँ पर उनके बच्चे और वो सब आते हैं, जितने भी आप मूवमेंट देख रहे हो पानी में, ये फिशेज और उनके बच्चे ही हैं। यहाँ पे कुछ कुछ स्नेकहेड बड़ी भी हैं। सो यस हियर इज आवर नेट, अभी हम चलते हैं। फिशेज मिलती हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा उनके बारे में। यहाँ पर हमें गुरामी मिल सकती है, गुरामी बहुत ज़्यादा कॉमन फिश है एक्वेरियम बिजनेस में, उसमें एल्बाइनो और वो सब उन्होंने इन ब्रीडिंग करके बना दिए हैं। पर यहाँ पर जो वाइल्ड इंडियन गुरामी है वो आपको मिल सकती है, काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है। पर हम जिन जगहों में अभी घूम रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही मिल सकते हैं उनके। काफ़ी सारे लोग उनकी ब्रीडिंग करा के एक्वेरियम बिजनेस में उनको बेचते हैं, मैंने यहाँ पर रखी हैं काफ़ी बार। और यहाँ पर स्नेकहेड भी मिलती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोली। तो जितने मछली खाने वाले लोग हैं वो स्नेकहेड उर्फ सोली से बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वाकिफ होंगे। एक्वेरियम ट्रेड में ये काफ़ी जगह बैन है, आप इनको पाल नहीं सकते। और यहाँ पर रेनबो स्नेकहेड मिलती है, यहाँ पर एशियन स्नेकहेड, जाइंट एशियन स्नेकहेड भी मिलती है, और यहाँ पर बुल्सआई स्नेकहेड मिलती है जो कि मैंने देखी है। और आगे अगर कोई और स्पीशीज मिलती है तो एवरीबॉडी, ये वो फिश है जिसको हम एक्वेरियम में पालते हैं, है ना। जस्ट लुक एट द कलर्स, हम इसको कलर्स, ब्रो लुक एट द कलर्स, वाह यार
वेरी ब्यूटीफुल। और एक और गुरामी, अरे वो पेंसिल है, पेंसिल है। अरे तो बहुत ही, ये तो बिल्कुल एकदम छोटी सी पेंसिल है। सही, ये भी एक स्नेकहेड है, आई डोंट नो। इनकी स्पीशीज का ना आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये छोटी होती हैं, पर इसका साइज, एवरीबॉडी लुक एट दिस साइज। इनको लोग पालते हैं प्लांटेड एक्वेरियम में, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिश, वेरी ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। और है आज का कैच हमारा, यहाँ पर मैं अभी इनको छोड़ने वाला हूँ, तो लेट्स सी, पहले उनको देखते हैं उसके बाद में हम उनको रिलीज करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल फिश, हम इनको ज़्यादा अब परेशान नहीं करेंगे, बस हमें रखना था तो इस वजह से बाल्टी में थे ये अभी तक, तो वी गोना रिलीज देम। यहाँ पर हमारे पास ना काफ़ी सारी राइस फिशेज हैं, और सब बहुत, मतलब सारी की सारी बहुत सुंदर है, यू कैन सी द कलर। और ये एक्वेरियम में जब होती हैं तो ये ब्रीड भी कर लेती हैं बहुत अच्छे से। मैं इनको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मैं बस हाँ यहाँ पर इनको पानी में फेंक रहा हूँ, यहाँ पर ये चिल कर लेंगे आराम से। एंड टेडपोल, हमारा टेडपोल भी है यहाँ पर। यार